देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब तक इसे ये तो समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक बात भी नहीं डालती हो, तो अगर मामा जी इसके साइड आ गए तो राधा की पोजीशन इस घर में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं। राधा, सुना था एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, पर कम से कम आज तो इस बात को गलत साबित कर दिया होता आपने। आपके बारे में जो सोचा था ना हमने, आप उससे भी गिरी हुई है। तुम्हारा साथ मैं तब देती राधा अगर तुम साथ देने लायक होती, लेकिन इस घर में सबको पता है कि तुम कितनी चालू हो। पर बेचारे मामा जी, बेचारे, और ये राक्षस है राक्षस। ऐसे लोग अगर घर में रहे ना तो घर की बहू बेटियां सबके लिए घर में रहना असुरक्षित हो जाएगा। बाहर की औरतों को कम खतरा था, जब ऐसे जानवर लोग घर में आके डेरा जमा कर बैठ गए। अभी तो सिर्फ चप्पल से मारा है, हमारा बस चलता ना तो जान से ही मार डालती। नहीं माँ जी, आज नहीं, आज हम गलत नहीं हैं। एक औरत के लिए ना उसका सम्मान ना सबसे बढ़कर होता है माँ जी। और इस आदमी ने हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, दामिनी जी ने भी हमारे चरित्र पर सवाल उठाए, मोहन जी के लिए हमारे प्रेम पर कीचड़ उछाला, पर हम नहीं सहेंगे। किसी को भी हमारा अपमान करने का अधिकार नहीं है। ना ही आपको और माफ कीजिएगा माँ जी, वरना ही आपको। हमारा भाई हमारा गुरूर है, और आज उसके चरित्र पर उंगली उठाकर तुमने सिर्फ उसका नहीं हमारा भी अपमान किया। एक बार हमारी बात पे विश्वास कीजिए माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्या चुटकुला सुनाया है इसने, अरे पूरी दुनिया जानती है कि तू कितनी बड़ी झूठी है। झूठी कौन करेगा तेरा भरोसा? हमारे मोहन जी करेंगे। हैं? वो चाहे हमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। सब हमारा साथ दे या ना दे, हमारे मोहन जी हमारा साथ जरूर देंगे।
अगर मोहन को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेगा। मामा जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसलिए, वरना मेरे होने का एहसास यहाँ पे सबको हो जाएगा, वरना मैं आपका वो हल करती कि आप जिंदगी भर याद रखते। दादा बिल्कुल सही कह रही है। हमने की है उसके साथ घिनौनी हरकत। भैया क्या बात कर रहा है भूषण? क्या हुआ मामा जी? मोहन का नाम लेते ही आप डर गए? हाँ? अगर किसी को प्यार करना, उसे सम्मान देना घिनौनी हरकत है तो हम हैं गुनेगार। हमारी गलती तो सिर्फ इतनी थी कि हमने इसे अपनी बेटी जैसी माना, और दामिनी ने बिल्कुल सही कहा था कि हम बेवकूफ हैं जो राधा को भोली और मासूम मानते हैं। जिसे बेटी मानते हैं उसी पर गंदी नजर डालते हैं, शर्म नहीं आती आपको? चुप। हमारे भैया के खिलाफ अब हम कुछ नहीं सुनेंगे राधा। हम क्यों चुप हो जाएं? जब सब हम पे आरोप डाल रहे थे तब तो आप चुप खड़ी थी। आपने तो हमारा साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, फिर हम क्यों चुप हो जाएं? द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तो बाके बिहार जी को स्वयं आना पड़ा था, पर हम इतने सक्षम हैं कि हम पर बुरी नजर डालने वाले इस घटिया आदमी का नाश करने के लिए हम माँ दुर्गा का रूप भी ले सकते हैं। एक तरफ मोहन और दूसरी तरफ राधा, भाग ले भूषण, वरना जो अपना असली चेहरा जिंदगी भर छुपाते आया है वो सबके सामने आ जाएगा। इससे पहले कि लेने के देने पड़ जाए, गायब हो जाए यहां से। बस करो, बस करो। आप हमसे ज्यादा नहीं सुना चाहता ये सब। हम एक शरीफ इंसान हैं, हमारा इतना अपमान हो रहा है इस घर में, हम नहीं सहेंगे ये, हम नहीं सहेंगे और एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं भैया, माँ जाने दो ऐसे घटिया इंसान को यहाँ से। भैया भैया ये क्या कर रहे हैं आप, रुक जाइए ना प्लीज, ये घर छोड़कर मत जाइए। भैया भगवान के लिए हमारी बात सुनिए, राधा को झूठ बोलने की आदत है, उसकी बात तो कोई नहीं सुनेगा, प्लीज मेरी बात मानिए ना, आप सही है वो गलत है भैया प्लीज। कादम्बरी, बात जब इज्जत पर आ जाए ना तो सही और गलत कुछ नहीं होता, और आज तुम्हारे घर में हमारी इज्जत को उछाला गया है। नहीं भैया नहीं, नारी को हम भगवान का रूप मानते हैं, हम जानते हैं, और इसीलिए अपना जीवन हमने बिता दिया नारी सेवा में। हाँ भैया। और आज तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू ने हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया, नहीं एक पल भी हम नहीं रुकेंगे भैया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भैया भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं। ये व्यक्ति जो खुद को नारी रक्षक कहता है, असल में तो यही औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें गलत तरीके से छूता है, उनका फायदा उठाता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है, हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की इन्होंने माँ जी, और ये राक्षस है राक्षस। इससे लोग अगर घर में रहे ना तो घर की बहू बेटियां सबके लिए घर में रहना असुरक्षित हो जाएगा।
चिच्चे, ये समय नजरें झुकाने का नहीं, आवाज उठाने का है। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो आपने हमें नहीं बताया, पर हमने वो आपकी आंखों में देख लिया है चिच्ची। हम जानते हैं चिच्ची कि आप हमारा साथ देना चाहती थी, पर सिर्फ माँ जी की बात सुनकर आप पीछे हट गई। राधा, हम हमारे भैया का सम्मान भगवान से भी ज्यादा करते हैं। केतकी भी अपने मामा की इज्जत उतनी ही करती है। डरिए मत चिच्ची, आप हमारा साथ नहीं दे पाए तो क्या हुआ? हम आपका साथ देंगे, हम आप ही के साथ खड़े हैं। हमने हमारा सारा सच सबको बता दिया, अब आप ही अपना सारा सच सबको बता दीजिए। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, बस तुम मामा जी से दूर रहो। वैसे भी अब वो चले जाएंगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। चिची, आपको ऐसा लगता है कि मामा जी के यहाँ से चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या भरोसा है इस बात का कि जो आपके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, वो कल किसी और के साथ नहीं होगा? मामा जी जैसे लोग ना सिर्फ अपनी जगह बदल सकते हैं, अपनी फितरत नहीं जीजी। और ऐसे लोगों को सही करने का ना सिर्फ एक ही तरीका, उनका डटकर सामना करना चाहिए। क्या फायदा सामना करने का राधा, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सही कह रहे हैं आप, शायद इस घर की बहू की बात कोई नहीं मानेगा, पर इस घर की बेटी की बात तो मानेंगे ना। जी, हम मामा जी के लिए पराए हैं, पर आप तो उस घर की बेटी हैं। सब जानते हैं कि आप मामा जी पर कभी भी झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। आपको सच बोलना ही होगा केतकी जी, पर नकल आप थी, आज हम और कल कोई और होगी। केतकी, अरे हमारा पर्स, अरे यहाँ है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। हम तो होली का सामान लेने के लिए जा रहे थे और पर्स ही भूल गए, इसके बिना कहाँ कोई सामान देगा। नहीं केतकी, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? अब नहीं, नहीं। ओके जी, जी आप समझ रहा था, मुझे सब में नहीं पड़ना प्लीज जी, एक बार हमारी बात। आप हमारा साथ ना दे कोई बात नहीं जीजी, पर दुख तो हमें इस बात का है कि इस घर की लाडली बेटी की आंखों में जाकर उसका दुख किसी ने देखा ही नहीं। इना मीना टीना, आपका भाई है कमीना। मम्मा, मैं आपको क्या बताऊं? पता है क्या हुआ है? कामिनी का दिल तो टूट गया, मामा का भांडा फूट गया। हाय, क्या कहते थे आप मुझे कि मेरे सर पर बुखार चढ़ा है? एक्चुअली बुखार तो मामा जी के सर पे चढ़ा है, वो भी राधा का। पता ही था मुझे, वो आदमी ना एक नंबर का ठरकी है। वैसे तुम्हारी बात तो सही है बिटिया। अरे ये भूषण ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम तो बिटिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे मम्मा, हमारे मुंह ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनफैक्ट जो भी हुआ ना अच्छा हुआ, कि मामा जी तो राधा को इस घर से निकालने का गोल्डन टिकट है। मतलब ये है, जब से वो राधा दिमाग आधे से राधा दिमाग ज्यादा बन गई है ना, हमारा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्लान शुरू होने से पहले ही बिगाड़ देती है वो। और देखना,
अब वो ना सुनते सुनते ऑफिस तक भी पहुंच जाएगी हमारा वो राज निकालने के लिए जो किसी को भी नहीं पता। इसलिए राधा को तो इस घर से निकालना ही होगा हमें। और इस सब में हमारी हेल्प करेंगे मामा जी। और कैसे? क्या कैसे? नीचे इतना बड़ा ट्रेलर नहीं देखा क्या आपने? राधा ने लाख कोशिशें की फिर भी कद्दू ने उसकी एक नहीं सुनी। राधा इस घर में अभी तक क्यों है? कद्दू के उसूलों के वजह से। इसलिए मामा का इस्तेमाल करके राधा और कद्दू के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल देंगे ना हम कि कद्दू खुद धक्के मार के राधा को इस घर से बाहर निकालेगी। अरे पर मोहन का क्या? क्या मोहन का क्या? मोहन तो वैसे भी नहीं चाहता कि राधा इस घर में रहे। हा? वो तो सिर्फ कद्दू के वजह से राधा को यहाँ रहने दे रहे। तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही कह रही है बिटिया तू। एक तरफ राधा घर से बाहर और दूसरी तरफ गुनगुन की कस्टडी उसकी नानी को मिल जाएगी। एग्जैक्टली। एक ही झटके में राधा और गुनगुन दोनों इस घर से बाहर। एक मामा और इतना कारनामा। तो ये दोनों राधा को घर से निकालने के लिए इतना बड़ा प्लान कर रही है। ये बात मुझे राधा को जल्द से जल्द बतानी होगी। पर कैसे? अरे पर तेरा मामा घर छोड़ के जाने के लिए एक टांग पर खड़ा है उसका क्या? तो वक्त आ गया है मम्मा मामा जी को ये बताने का कि दुनिया में ना वो अकेले नहीं है जो झोलबाज है। उनकी बहन और भांजी भी इस मामले में उनसे कम नहीं है। हमारी बात मान लीजिए ना भैया, हम माफी मांगते हैं भैया। हम नहीं रुकेंगे भैया, रुक जाए भैया। दीदी दीदी भैया को रोक लीजिए ना प्लीज। कैसे रोक लो कद्दू? हमारे भाई का कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? तुम्हारी बहू ने सबके सामने इसे बेइज्जत किया है। अरे चप्पल से मारा है इसे। जा, मैं कह रही हूँ जा। हाँ ये सब हम जानते हैं दीदी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? करोगी? बोलिए। तुम्हारी बहू को हमारे भाई से माफी मांगनी होगी। सबके सामने बेइज्जत किया है ना, तो सबके सामने माफी मांगेगी तो हम रोक लेंगे इसे। ठीक है, हम अभी के अभी जाते हैं और राधा से कहेंगे कि उसे भैया से माफी मांगनी होगी। भैया अब कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते हैं। प्लीज रुक जाइएगा दीदी, ने कहीं मत जाने देना, हम अभी आते हैं। इतना इतना क्या किया तुमने? हमने? हाँ। कुछ भी नहीं किया दीदी, वो लड़की झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। मामा जी हाय। वैसे हम सब तो आपको हीरो समझते थे, लेकिन आप तो एक नंबर के विलन निकले। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो विलेन वाला रूप है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मामा जी आप इतने दिनों से थे कहाँ? आपको पता है ये इनके साथ इस घर में विलेन विलेन खेल खेल के ना मैं पक गई हूँ, थक गई हूँ मैं। फाइनली कोई तो आया मम्मा जो राधा को उसकी औकात दिखा सकता है।
मोहन जी कब आएंगे? राधा, अभी के अभी चलकर हमारे भैया से माफी मांगो। माँ जी, जब हमारी गलती ही नहीं है तो हम किसी से माफी भी नहीं मांगेंगे। राधा, तुम्हारी वजह से हमारे भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे बहस मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या अभी चलकर माफी मांगो। कुछ भी हो जाए हम माफी नहीं मांगेंगे। राधा, माँ से बहस मत करो, यही तो दामिनी और कावेरी माँ से चाहते हैं। प्लीज उनके बात मान लो। तो फिर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ।